बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ है आलू गोश्त की। बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने दो प्याज ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस कर लिए और इसको फ्राई करूँगी। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसको निकाल लूंगी और इसको ग्राइंडर में पीस लूंगी। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसको निकाल लूंगी प्लेट में। अब मैं इसमें गोश्त डालूंगी। ये हमारा गोश्त जो है 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है और इसमें मैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालूंगी। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। इसको मैं मिक्स करूंगी। इसमें मैंने मसाले लिए हैं 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, 1 टेबल स्पून ही मैंने नमक लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सब मैं इसमें गोश्त में ऐड कर दूंगी। कितना अच्छा कलर आया है। अब दूसरी तरफ ये मैंने मसाले डाल दिए थे और इसको हल्का सा भून रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने 1 अदद टमाटर लिया था, 2 प्याज जो ली थी उसको मैंने ये फ्राई करके निकाल लिया था और 1 हरी मिर्च। इन सबको मैं ब्लेंडर में डाल लूँगी और फिर आपको बताती चलूँ कि ये शादी के बाद ये मेरी सास की रेसिपी है जो उनसे मैंने सीखी थी और बहुत ही मज़े का मुझे ये आलू गोश्त लगता था, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूं। तो इन सब चीज़ों को मैं ब्लेंडर में डालूंगी और ब्लेंड करूंगी। इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी अच्छी तरह। ये प्याज और टमाटर और हरी मिर्च जो हमने पीसी थी उसका पेस्ट मैं डाल रही हूँ। इसको थोड़े से पानी में मैंने डालकर पीस लिया था और इसमें थोड़ा पानी डालकर और मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और थोड़ा पानी डालकर हम इसको, क्योंकि ये बीफ है तो हमें इसको गलने के लिए टाइम चाहिए होगा इस गोश्त को, तो मैं इसको आधे घंटे के लिए पानी डालकर रख देती हूँ। अब मैंने ज़्यादा सा पानी डाल दिया है और इसको मैं, जब तक गोश्त नहीं गलता जब तक मैं इसको पकने के लिए रख दिया गोश्त गलने तक आधे घंटे के लिए। चलें फिर मिलते हैं जब ये गोश्त गल जाएगा, फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है, क्योंकि हम ये आलू गोश्त बना रहे हैं और इसमें आलू डालेंगे जब बिल्कुल गोश्त गल जाएगा। गोश्त हमारा गल चुका है, अब मैं ये आलू डाल रही हूँ इसमें। जब तक हमारे आलू गलेंगे मैं इस पे दम पे रख दिए और मैं ढकना ढक दूंगी और इसको 5 से 10 मिनट हल्के फ्लेम पे मैंने इसको आलू गलने के लिए रख दिए। आलू गोश्त हमारा बन चुका है, आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसको डिश में निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा कलर आया है, गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया है। आलू
गोश हमारा बन चुका है। इस पे स्प्रिंकल करी और ये एक हरी मिर्च थी जो मैंने दो पीस कर दिए थे, और मैंने एक मसाला काली मिर्च और जीरा मैंने भून लिया था तवे पे और उसका पाउडर बना के ये मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमारा मज़ेदार सा आलू गोश तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नई रेसिपी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।